हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन में ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल जनरली हम लोग कभी भी कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को टैकल करते हैं, तब हम लोग वहाँ पर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पाइथन में हमारे पास 7 अलग-अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि हैं अर्थमैटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ अर्थमैटिक ऑपरेटर्स की। तो अर्थमैटिक ऑपरेटर्स में भी हमारे पास 7 अलग-अलग टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन। तो सभी को आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगा, लेट्स से ए इक्वल टू, यहाँ पे मैं कोई भी एक वैल्यू दे दूँगा, लेट्स से 5। और यहाँ पे मैं दूसरा एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा बी, जिसके अंदर मैं एक और वैल्यू दूँगा, लेट्स से 2। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले एडिशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक तीसरा वेरिएबल लूँगा, लेट्स से रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर जो आप प्लस देख रहे हैं, ये हमारा एडिशन ऑपरेटर है। तो अब अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कराऊँगा, लेट्स से प्रिंट रिजल्ट, और अगर मैं इसको अभी रन करूँगा, तो यहाँ पे मुझे 7 मिल जाएगा, 5 + 2 = 7। तो ये था एडिशन ऑपरेटर, जहाँ पे हम लोगों ने एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हमने रिजल्ट को प्रिंट कराया। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर की। तो यहीं पर अगर मैं इस प्लस सिंबल की जगह माइनस सिंबल लगा दूंगा, तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, यहाँ पर अब ए में से बी को माइनस कर देगा। अब हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 5 - 2 = 3। ऐसे ही हमारे पास और भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार लिख दूंगा, तो ये एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो गया। अब अगर मैं इसको रन करूँगा, तो ए इंटू बी हो जाएगा, दैट इज 10। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर स्टार की जगह पर फॉरवर्ड स्लैश कर दूंगा, तो अब ये ए बी से डिवाइड होगा, तो इसको हम बोलेंगे डिवीजन ऑपरेटर। अगर मैं इसको रन करूँगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.5। तो अगर हम बात करते हैं अब मॉड्यूलस की, तो मॉड्यूलस में क्या होगा कि अगर हम ए को बी से डिवाइड करते हैं, तो जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे अब रिजल्ट में शो होगा। तो मॉड्यूलस हमें बेसिकली यहाँ पे रिमाइंडर बताता है। तो अगर मैं इसको रन करके देखूँगा, तो 5 / 2, जहाँ पर रिमाइंडर आया 1, इसलिए रिजल्ट हमारा 1 प्रिंट हुआ। तो ये तो था मॉड्यूलस। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंट की। तो पाइथन में एक्सपोनेंट को हम लोग डबल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब हो गया a^p। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा अब, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो होगा 25। नाउ अगर हम यहाँ पे फ्लोर डिवीजन की बात करेंगे, तो फ्लोर डिवीजन का मतलब, जैसे मैंने मॉडुलस को यूज़ किया था रिमाइंडर निकालने के लिए, वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करेंगे, तो अब यहाँ पे a/b में जो भी हमारा क्वोशेंट होगा वो यहाँ पे हमें रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 एज अ क्वोशेंट, जो हमारा क्वोशेंट है वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा फ्लोर डिवीजन था। तो यही था आज की इस वीडियो में गाइस। यहाँ पर आज मैंने कवर किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस यानी रिमाइंडर, एक्सपोनेंट यानी पावर एंड फ्लोर डिवीजन यानी क्वोशेंट। तो
तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे एक कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स होते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और हमारे चैनल कोडर्स आर्केड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप सभी को एक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।